Assalamu alaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और जो आप बुक पढ़ रहे हैं वो है गोहर सोशल स्टडीज़ फोर्थ क्लास के लिए, और हम जो है वो अपने चैप्टर नंबर 4 में हैं, और आज जो हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है 4F, और उसका जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यानी आज हम खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द ओल्ड नेम ऑफ प्रोविंस ऑफ केपी खैबर पख्तूनख्वा वॉज NWFP। जो खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा नाम है वो खैबर पख्तूनख्वा है, इससे पहले इसका नाम हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। इसका नाम जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था और इसकी एक बहुत तवील जो है वो माजी है। टाइमलाइन ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ केपी हिस्ट्री, ये कुछ टाइमलाइंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हो गुजरी हैं केपी की हिस्ट्री में, वो क्या क्या हैं। 1826 सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह शहीद मुजाहिदीन मूवमेंट स्टार्टेड। 1826 में जो है वो सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो शहीद मुजाहिदीन मूवमेंट तहरीक जो है वो स्टार्ट की थी। 1836 में जो है वो सिख एम्पायर ऑक्यूपाइड केपी कम्प्लीटली, और सिख एम्पायर ने जो है वो इस खित्ते को जो है वो पूरा फतह कर लिया था। 1849 ब्रिटिश रूल इम्पोस्ड, 1849 में जो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल लागू हो गया था। 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 में जो है यहाँ पर तहरीक आज़ादी लड़ी गई। 1929 खान अब्दुल गफ़ार खान कुदाई खिदमतगार मूवमेंट बिगिन, और इस टाइम पे जो है ये वाली तहरीक जो है वो स्टार्ट हुई। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड एंड दी किस्सा खानी बाजार्स इवेंट हैपेंड, और सिविल नाफरमानी जो है वो हुई और किस्सा खानी बाजार का जो वाक़या है वो रूनुमा हुआ। 1935 खैबर पख्तूनख्वा बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस, और 1935 में जो है ये एक अलग सूबा बना दिया गया। 1947 NWFP KP बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और 1947 में ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 1979 अराइवल ऑफ अफगान मुहाजरीन, और 1979 में जो है वहाँ पर अफगान मुहाजरीन जो है वो आ गए। 2010 द ओल्ड नेम NWFP चेंज्ड इनटू केपी खैबर पख्तूनख्वा, 2010 में जो है वो इसका नाम जो है वो चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। 2018 मर्जर ऑफ ईस्ट वेल फाटा विद खैबर पख्तूनख्वा, और इसके साथ जो है वो फाटा को भी जम कर दिया गया। लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्राम द हिस्ट्री ऑफ केपी। मुजाहिदीन मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई सर अहमद रहमतुल्लाह अलैह शहीद, ये जो है स्टार्ट की गई सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह शहीद की तरफ से। ही वॉज बॉर्न इन राय बरेली इन 1786, ये जो है राय बरेली में पैदा हुए 1786 में। ही स्ट्रगल अगेंस्ट द सिख एम्पायर इन नौशहरा ओकाड़ा खटक एंड हुंद स्वाबी, ये जो है इन्होंने स्ट्रगल की उसके खिलाफ जो है वो जंग की सिख एम्पायर से, किस किस जगह पे नौशेरा में अकोरा खटक में हिंद जो के अब स्वाबी कहलाता है। सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह शहीद मार्टर्ड ऑन द 6th of May 1831 इन बालाकोट ड्यूरिंग अ वार अगेंस्ट सिख, और जो है वो इन्होंने शहादत जो है वो इनकी हुई वो कब हुई, 6 मई 1831 में, किस जगह, बालाकोट में सिखों के खिलाफ जंग करते हुए। सिख एम्पायर वॉज दी स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन रंजीत सिंह वॉज दी रूलर ऑफ पंजाब, सिख एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था जब जो है वो उसका हुक्मरान जो था वो रंजीत सिंह था। ही ऑक्यूपाइड हज़ारा इन 1819 एंड अनटिल 1836 डेरा इस्माइल खान बन्नू कोहाट एंड पिशावर वर कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाई सिख रूलर, और जो है इसने 1819 से लेकर 1836 तक जो है वो डेरा इस्माइल खान बन्नू कोहाट और पिशावर के बहुत सारे इलाके जो है वो ऑक्यूपाइड कर लिए थे। इन 1849 ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड सिख्स, और फिर 1849 में जो है वो ब्रिटिश आर्मी ने इनको शिकस्त दे दी थी।
The War of Independence in 1857 was also fought by the people of KP but defeated by the British Army. इन्होंने जो है वो एक जंग 1857 में भी लड़ी लेकिन इन्हें शिकस्त हासिल हुई ब्रिटिश आर्मी की तरफ से. The British rule started after the defeat of the War of Independence in 1857 that continued until 1947. अच्छा जी, ये जो वॉर थी ये कंटिन्यू रही शिकस्त के बाद भी 1947 तक. The province KP was a part of Punjab until 1901. और ये जो केपी है ना ये पंजाब का ही पार्ट था 1901 तक. In 1901 became a chief commissioner province. Then in 1935 became a complete province. जो 1901 में है ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, ये सूबे का जो है वो चीफ था, लेकिन उसके बाद जो है ये इसको 1935 में एक अलग और मुकम्मल सूबा बना दिया गया. खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वॉज फाउंड बाई खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1929. दिस मूवमेंट ऑल्सो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडो पाक. The Civil Servant Obedience Movement against the British Raj started in 1930. The British government opened fire on a procession in Kissa Khwani Bazaar, Peshawar. Hundreds of people lost their life in this event. This is the movement in Kissa Khwani Bazaar, Peshawar. जो है बहुत सारे जो ब्रिटिश राज था उन्होंने जो है वो एक बहुत एक हादसा पेश आया था किस्सा खानी बाज़ार में और उसमें बहुत सारे यानी बहुत लोगों ने अपनी जान जो है वो इस जो हादसे है उसमें दी थी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.